आप सभी को आलोक राज की ओर से झारखंडी जोहार है, नमस्कार है और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे। और चलिए आज जो ये जो झलक देख रहे हैं ये काफ़ी जो खूबसूरत लोकेशन है और ये है आंजन धाम। शायद आपने देखा होगा या फिर नहीं देखे हैं जो भाई उनके लिए देखिए किस तरह से यहाँ जो आंजन धाम के नीचे है नारियल और जो भगवान जी का जो मूर्ति है वगैरह बिकता है। और आज उसी स्पॉट में मैं हूँ इसलिए मेरे को लगा कि ये वीडियो आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए। जो भाई बंधु नहीं आए हैं जो कि पवन पुत्र हनुमान जी जो हैं उनका जन्म स्थल माना जाता है आंजन धाम के नाम से झारखंड में फेमस है। लोगों का कहना है और रामायण के हिसाब से लोगों का मानना है कि यहीं पवन सूत्र हनुमान जी जो थे उनका जन्म हुआ था। और आज हम उसी पावन धरती पर हैं, आंजन धाम के धरती पर हैं और इसलिए लगा जो भाई लोग आंजन धाम का दर्शन नहीं किए हैं वे भाई को आज मैं आंजन धाम का दर्शन करवाता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह से काफ़ी खूबसूरत लोकेशन में आंजन धाम है। पहाड़ी के ऊपर है, देखिए किस तरह से उसमें सीढ़ी बना हुआ है चढ़ने के लिए और ये पहाड़ का बीच का लोकेशन में है और जो कि गुमला जिला में आता है। और देखिए किधर इधर पहाड़, काफ़ी बड़ा बड़ा पहाड़ है और उसके बीच में ये आंजन धाम है। और देखिए कितना सुंदर इसमें सीढ़ी से सुंदरीकरण किया गया है ताकि जो लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं भक्तगण उन्हें किसी प्रकार का कठिनाई ना हो। तो आइए बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं कि किस तरह से खूबसूरत देखिए इधर का लोकेशन कि किस तरह का नज़ारा है। अगल बगल में आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और शुद्ध वातावरण जो होता है वो है खुला खुला हवा है और शुद्ध हवा मिल रहा है। और इस तरह से छोटा छोटा धाम बना हुआ है जिस रास्ते पर आंजन धाम चल रहे हैं उससे पहले भी ये छोटा सा धाम मिला तो उस धाम को भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से धाम वगैरह बना हुआ है और लोग पूजा अर्चना करते हैं। देखिए इधर पूजा करने के लिए टैंकी में पानी रखा हुआ है जो जहां हाथ पैर धो के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और इधर सीढ़ी बना हुआ है, इधर लोगों को बैठने के लिए भी बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा लोकेशन लग रहा है। अगर आपको भी टाइम मिले, आपके पास भी समय हो तो इस धाम में आए। अच्छा लगा ये जगह देखे और ऊपर में बहुत सा है ना स्थल। तो ये जो सीढ़ी नुमा रास्ता है ऊपर चढ़ने के लिए मंदिर में उसी के बगल में कुछ लोग गुफा नुमा स्थल बना करके झोपड़ी टाइप का उसमें बना करके गुफा में और काफ़ी सेफ्टी से रहते हैं। उन्हीं से हम जानने का प्रयास किए कि आखिर वो यहीं रहते हैं फिर क्या करते हैं। तो पता चला कि वे यहाँ फूल नारियल अगरबत्ती वगैरह बेचते हैं और यहीं रहते हैं और मंदिर का देख रेख करते हैं। और इधर देख रहे होंगे कि बैठने के लिए जो यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं उन लोगों को बैठने के लिए भी बीच बीच में बीच रास्ते पर आधे सीढ़ी के ऊपर में बनाया हुआ है जहाँ पूजा अर्चना करने के बाद लोग बैठ सकते हैं और यहाँ का जो शुद्ध वातावरण है उसका मजा ले सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो में कि इधर किस तरह का लोकेशन है। देखिए कि इतना सुंदर नज़ारा बना हुआ है, साइड में देखिए छोटा छोटा मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और कितना सुंदर खाली खाली पहाड़ है जो कि काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा है आप देख रहे होंगे कैमरे में। और उसी के बीच में ये आंजन धाम बसा हुआ है और कितना खूबसूरत से इसको टाइल्स वगैरह लगा करके और सुंदरीकरण करने का प्रयास किया गया है और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। अगर आप भी हनुमान जी का भक्त हैं तो आप भी आंजन धाम जरूर आएँ और जो पवन सूत्र हनुमान जी का जो स्थल है, जन्म स्थल है वो आंजन धाम, वहाँ दर्शन करें वो देखें। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और आगे हम ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर का वास्तविकता क्या है या फिर यहाँ का कहानी क्या है, फिर यहाँ का इतिहास क्या रहा है, इसको भी हम जानने का और आप लोगों को भी उससे रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। आइए वीडियो के साथ बने रहते हैं, देखिए आप किस तरह से इधर आपको सुंदर सुंदर बैठने के लिए लोकेशन बना हुआ है जो कि
आपको कब से, ये है जो आपको मेन जो सबसे ऊपर का जो पहाड़ी के ऊपर में जो मेन जिसको अंजन धाम बोला जाता है, पवन सुत्र हनुमान जी का जो मंदिर है वो यही मंदिर है। हम ऊपर में हैं और इधर देखिए कुछ कुछ सामग्री वगैरह निर्माण कार्य प्रगति पर है, और इधर पीसीसी का ढलाई करके छोटा छोटा रोड भी बनाने का प्रयास किया है, और ये जो मेन मंदिर है उसी के बगल में। आइए चलते हैं, एक छोटा सा और इधर कुटिया दिख रहा है, जो मंदिर है ये एक स्थल है, उसी पर जाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं उसके बाद में जो मेन मंदिर है उसका जो झलक दिखाए उसी में जाएंगे और चलेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे उस बाबा से कि ये मंदिर का इतिहास क्या रहा है। आइए और ये देखते हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। इधर मंदिर है बाबा, इधर भी मंदिर है, यहाँ सबसे बड़ा मंदिर है बाबा। अच्छा, जानेंगे तब ना। वो मेन मंदिर यहाँ है ना। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा रामू बाबा। रामू बाबा, तो यहाँ कितना दिन से हैं? कितना दिन से रहते हैं यहाँ? देखिए हम पंपापुरी पहाड़ को देख रहे हैं। पकुरी पहाड़, पंपापुरी जो, हाँ हाँ हाँ, किचकिंधा, हाँ हाँ, वहाँ रहते हैं सोमवार को, वहाँ रहते हैं मंगल को, यहाँ आते हैं। अच्छा, दो जगह आप? हाँ, दोनों जगह चलते रहते हैं, है ना। हम लोग साधु जो हैं, तो एक साधु को तो एक जगह नहीं रखेगा, कब कहाँ भेज देगा, कब कहाँ भेज देगा। देखिए आप, नहीं ऐसा बात है, अभी तीन चार दिन से खाना नहीं हुआ है। तीन चार दिन से खाना नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, अब टाइम नहीं मिल रहा है। चलिए आइए नीचे खिलाते हैं खाना। हाँ, चलिए नीचे खिलाते हैं फल। हाँ, नीचे मिलता है फल? हाँ, फल मिलता है, लेकिन अभी उस जगह बैठेंगे चाहे यहाँ बैठेंगे। अच्छा, ये पार्वती जो है अभी बासन उसन बर्तन उर्तन साफ कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आएंगे तो पहचानिएगा ना। हाँ हाँ, एकदम पहचानेंगे। अपना गांव को बताइए। लोहरदगा। अरे लोहरदगा तो हम जाते रहते हैं, है ना, देखिएगा। तो बात की अभी जो यहाँ एक बाबा रहते हैं, एक जो गुफा टाइप का है, जो मेन मंदिर है उसके बगल में जो चट्टान के नीचे एक बताया बाबा जी, जैसा कि इसमें साक्षात नागदेवता जी रहते हैं, तो उन्हीं को दिखाया। और देखिए ऊपर से किस तरह से लोकेशन दिखता है, ये जो ऊपर का नज़ारा है वो वहाँ से किस तरह से दिखता है उसी को दिखाने का प्रयास किए कि घना जंगल के बीच में आपको किस तरह से ऊपर से ये नज़ारा लगता है उसको दिखाए। और आइए चलिए अब बढ़ते हैं, मेन जो मंदिर है उनका जो बाबा जी हैं उनसे बात करते हैं और उनसे मिलते हैं। और ये देखिए जो है ये हनुमान जी का जो अंजन धाम का जो मेन मंदिर है, मुख्य द्वार पर हम हैं, और देखिए यही है मुख्य द्वार। यहाँ अगल बगल में भी कार्य प्रगति पर है, यहाँ बाउंड्री वगैरह बन रहा है। और इधर देखिए बाउंड्री करके इधर देख जो पूजा करने के लिए आते हैं वो भाई बंधु को सुविधा के लिए बाउंड्री किया है, ताकि लोग नीचे ना गिर जाएं। और ऊपर से किस तरह से नज़ारा दिखता है, देखिए उधर सीढ़ी उड़ी जो बना हुआ है चढ़ने के लिए वो ऊपर से कितना खूबसूरत दिखता है। और काफ़ी अच्छा लोकेशन में ये स्थल है। और देखिए विशेष करके यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, और ऐसे भी झारखंड का मौसम के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन जो यहाँ जो गुमला जिला के अंजन धाम में जो शुद्ध वातावरण यहाँ मिल रहा है वो शायद हर जगह हम लोगों के शहरों में ना मिल पाता है। और देखिए इधर जो बैठने के लिए बनाया गया है कि किस तरह से
लोग अगर आए जाए यहाँ पूजा स्थल कर में तो लोगों को असुविधा ना हो, और इधर उतरने के लिए जो दिखाए थे वो चढ़ने वाला सीढ़ी था, और ये जो सीढ़ी है वो उतरने वाला सीढ़ी का एक झलक दिखाए कि इसी सीढ़ी से लोग नीचे उतरने के, जैसे ऊपर आप आते हैं उसके बाद में नीचे आने के लिए भी सीढ़ी का चढ़ने के लिए जो अलग से रूट बना हुआ है जहाँ से आप चढ़ सकते हैं, और एक रिटर्निंग के लिए उतरने के लिए भी ये जो दिख रहा है ये रिटर्निंग के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे रिटर्न ही आ सकते हैं, इससे भी आप ऊपर आकर के और पूजा अर्चना कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। और देखिए बीच बीच में यहाँ महादेव जी का छोटा सा शिवलिंग का ये है, और ये देखिए हम आपको दिखाए कि ऊपर से किस तरह से आप नीचे से जाएंगे और फिर ऊपर की ओर, और फिर ऊपर से नीचे जो जाने का रास्ता है उस रास्ता को दिखाए, और अब आपको दिखाते हैं ये देखिए उस रास्ता से हम गए थे और इस रास्ता से आए, इस रास्ता पर आप भी आ सकते हैं, देखिए यहाँ से भी आप चढ़ाई कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि जो मेन मंदिर है जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अंजन धाम का, उसका जो मेन द्वार है उससे आप दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं आंजन मंदिर में, और जैसा कि आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ऊपर में बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन में आपको दिखाए, और ये इसी स्थल पर भगवान हनुमान जी का जन्म स्थल है, और विस्तृत थोड़ा सा उनके बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। और ये बाबा जी जो यहाँ सेवा करते हैं आंजन धाम में, तो बाबा जी से भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से यहाँ का कहानी है और क्या है, क्योंकि लोग तो रामायण में देखते हैं और सुने हैं पढ़े हैं उसी को, लेकिन आज सौभाग्य से उस स्थल पर हम लोग भी आए, और बहुत सौभाग्य का बात है कि उस स्थल पर हमारे जो बाबा और इनके जो पीढ़ी सुने कि काफ़ी दिनों से सेवा करते आ रहे हैं ना, कितना 2-3 पीढ़ी से आप लोग करते आ रहे हैं, 3 पीढ़ी से, अपना नाम बता दिए दर्शक बन, केदारनाथ पांडे। तो यहाँ का जो कुछ कहानी के बारे में बताइए बाबा। माता अंजनी को शराब था, शराब निवारण करने के लिए अंजान पर्वत जो अंजना पर्वत के नाम से रामायण में जाना जाता है वही अंजना पर्वत हुआ। माता अंजनी शराब निवारण के लिए 365 शिवलिंग और 365 तालाब और 365 मामा का पेड़, एक मामा का पेड़ से दत्त और एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा किया करते थे। और जब शराब निवारण का समय आया तब माता अंजनी को शंकर जी द्वारा गुरुमुख किया गया, उसी गुरुमुख के कहने उनका द्विजार्पण हुआ जिससे रुद्र अवतार में हनुमान जी उत्पन्न हुए, और आज यहाँ हनुमान जी का, और यही वो स्थल है जहाँ की अंजनी पुत्र हनुमान जी का गुफा हुआ करता था, गुफा के में से ही मूर्ति निकला। अच्छा है, पहले सिर्फ गुफा था, पहले गुफा हुआ करता था, लेकिन बकरे का बलि जो दे दिया उससे गुफा बंद हो गया, और उसी के ऊपर मंदिर है, अगल बगल जितना भी है वो काल्पनिक है। अच्छा, ये वास्तविकता हाँ। जो था उसको आप हाँ। बताए, तभी आप लोगों को मिलाए और दिखाए दोस्तों आंजन धाम के जो सेवा कर रहे हैं जो बाबा जी हैं उनसे बात किया, और यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में जानने का प्रयास किया कि आखिर कौन सा, मतलब किस तरह से यहाँ बना, या फिर बाबा वास्तविकता को बताए कि यहाँ एक गुफा हुआ करता था जिससे कि लोगों ने गलती से यहाँ बकरे का बलि दे दिए जिसके कारण वो गुफा का द्वार बंद हो गया, और ये आज उसके ऊपर गुफा के ऊपर में मंदिर का निर्माण किया गया, यही है ना बाबा।